जैसे कि आप लोग को पता ही है मैं पटेल नगर में रहता हूँ, तो यहीं पे आज फ्राइडे मार्केट लगता है और काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। तो मुझे भी घर के लिए कुछ सामान वामान लेना है और सब्जी वब्जी लानी है, तो हम भी हर हफ्ते की सब्जी वब्जी ले आते हैं फ्राइडे मार्केट से ही। तो आप लोग को भी आज दिखाऊँ यहाँ की मार्केट, और काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर, तो आप लोग को भी दिखाऊँ, तो बने रहिए इसी तरह से। निकल चुका हूँ मैं घर से और पहुँचने वाला ही हूँ, और मार्केट में मेरे को भैया मिलेंगे मेरे, तो उन्हीं के साथ में चलते हैं और मिलते हैं पहले भैया से, उसके बाद करते हैं सब। आ गया मैं फ्राइडे मार्केट से और भैया मिल गए थे मेरे को। तो मेन तो हमें सब्जी लेनी थी और सब्जी ले ली हमने, और अब चल रहे हैं घर को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह सुबह, और आज है सैटरडे, तो सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ अभी नहा धो के, क्योंकि सैटरडे को मुझे पूजा करनी होती है मंदिर में, तो उसी के लिए अभी सुबह सुबह निकला हूँ मैं। तो पूजा तो हो गई है मेरी, और अभी चल रहा हूँ घर को, और उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। तो यार सुबह सुबह काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है आज, और सभी लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं, बट अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इन गलियों में। गैस भराने गया था मैं और गैस भरा लिया है, तो अभी थोड़ा चाय नाश्ता का सामान लेके आऊँ मैं और फिर चाय बनाएंगे। कपड़े भी धुल चुके हैं अपने, और बाकी आगे आगे काम करते हैं और दिखाते हैं आपको, क्योंकि दिन में तो कहीं जाना है नहीं आज, कि प्लान अभी तक हमने कर रखा था, बट भैया अभी मना कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर कहीं जाना होता है तो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसे कि कल तो सैटरडे था तो कहीं जा नहीं पाया था, बट आज मेरा थोड़ा काम था तो इसलिए मैं संडे को निकला हूँ आज, और अभी मैं पहुँचा हूँ रजौरी। यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलना है, और उसके बाद थोड़ा मेरा कुछ काम भी है तो वो करना है, तो दिखाते हैं आपको भी, और अपना वो काम करके यहाँ कहीं घूमना होता तो वो दिखाते हैं आपको। तो इसी तरह से बने रहिए आप ब्लॉग में। फ्रेंड से मिल लिया मैंने, और जो मेरा काम था वो हो चुका है। अब यहीं पे एक छोटा सा पार्क है, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं और आपको भी दिखाऊँ। तो पिछले 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल पाया था मैं, और आज थोड़ा काम था तो मैं अभी निकला हूँ, और मैं इसी बहाने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग भी बना ले जाए। तो जैसे कि मैंने बोला था पार्क में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ठंड हो रही थी तो धूप में बैठे हुए हैं, और कितने दिनों बाद आज ऐसे धूप में बैठे हैं तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है धूप में बैठते हैं। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो निकलते हैं अब यहाँ से, और पार्क भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी हरा भरा है यहाँ पे, और काफ़ी सारे पेड़ हैं इस पार्क में, और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो रजौरी के माधव पार्क में हैं हम अभी, और काफ़ी अच्छा पार्क है, मैंने जैसे कि बताया आपको ही। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, और अभी मुझे थोड़ा एक टेलर के पास काम है, मैंने अपने कुछ कपड़े सिलवाने के लिए दिए हैं,
तो वहीं लेने चलते हैं, और वो यहाँ से काफ़ी दूरी है तो वहाँ पे चलते हैं पहले, और उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। काफ़ी प्यारी गिलहरी थी ये, और मैं कब से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर हाथ नहीं आई, बट हाँ डर भी नहीं रही थी ये। सो गाइस, रजौरी का अपना काम पूरा हुआ और अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है और उसी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो अब सीधे घर मिलते हैं आप। तो बस से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा घर जाने में, तो इसलिए मेट्रो से ही चलते हैं अभी भी, और मिलता हूँ मेट्रो स्टेशन पे आपको। सो गाइस, इतना ही था आज के ब्लॉग में, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया था तो फिर आगे कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी मेरी, तो उसके बाद कुछ शूट नहीं किया है। और अभी अब टाइम हो ही चुका है, खाना वाना खा के लेटे हैं, और एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी को पसंद आया ब्लॉग। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।